रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अगले 24 घंटे में तूफान के लौटने का अंदेशा, मचा सकता है और भीषण तबाही। गृह मंत्रालय के अनुसार यूपी और राजस्थान के अलावा तेलंगाना में 8 लोगों की मौत, पंजाब में 2 लोगों की मौत और उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से कच्चे पक्के घरों, फसल, पेड़ों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। उत्तर भारत में बुधवार रात 5 राज्यों में आए आंधी तूफान के कोहराम से 124 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दर्जनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से अकेले उत्तर प्रदेश में 73 जिंदगियां खत्म हो गईं। वहीं राजस्थान में भी 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार यूपी और राजस्थान के अलावा तेलंगाना में 8 लोगों की मौत, पंजाब में 2 लोगों की मौत और उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से कच्चे पक्के घरों, फसल, पेड़ों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिर लौट सकता है तूफान, अलर्ट जारी। 124 लोगों को निगलने के बाद भी तूफान का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अगले 24 घंटे में आंधी तूफान के लौटने की आशंका जताई है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से यह अनुमान लगाया गया है। फसल भी बर्बाद, साथ ही तूफान ने जानवरों और फसल पर भी कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा तूफान से 105 जानवरों के मरने की खबर है। यही नहीं, पंजाब के किसानों पर भी कुदरत ने बेरहमी दिखाई है। कपूरथला में हजारों एकड़ की फसल तूफान, बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई। चीन ने जताया दुख। चीन ने उत्तर भारत में आए तूफान में जान गंवाने लोगों के परिवारों के प्रति शुक्रवार को संवेदना व्यक्त की। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। क्यों आया तूफान? मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ था और दिल्ली में कम दबाव का क्षेत्र बना था। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बीच टकराव हुआ। इसका नतीजा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में तूफान के रूप में देखने को मिला। हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती प्रवाह के चलते भीषण अंधड़ आया, जिसने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही होगी। मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि गरज के साथ आए तूफानी अंधड़ के मुख्यतः 4 कारण रहे: अत्यधिक गर्मी, नमी की मौजूदगी, वातावरण में अस्थिरता और तूफानी सक्रियता।